नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस YouTube चैनल पे। देखिए, आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनकी डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है। तो इसको याद करने के लिए थोड़ा हमें हर जो इंसेक्ट हैं या जो पेस्ट हैं उसके हर सभी के तो याद करना मुश्किल है, लेकिन अगर आज आप इस ट्रिक को देख लेंगे तो आपको मुश्किल कभी भी नहीं रहेगा। आप बस थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से आप हमेशा के लिए उसकी डैमेजिंग स्टेज को याद कर ले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है। तो देखिए, सबसे पहली जो ट्रिक है, हैंड रिटन रिटन नोट्स है मेरा, ठीक है, उसी पे मैं बनाया हूँ और वही मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है, अगर आप कहीं पे बोरर देख लें, बोरर का मतलब अभी आगे हम एग्जांपल देके बताएंगे कि कैसे आप पहचानेंगे। अगर कहीं बोरर लिखा हो या अगर कहीं वर्म लिखा हो या अगर कहीं मोथ हो, ठीक है, तो उसकी जो डैमेजिंग स्टेज होगी वो कैटरपिलर होगी। समझ गए आप? अगर कहीं पे आपको बोरर दिख जाए या कहीं पे वर्म दिख जाए या कहीं पे आपको मोथ दिख जाए तो उसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो कैटरपिलर होती है। ठीक है, इतना चीज़ क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए, कुछ अपवाद है। एक तो आपको लेसर ग्रेन बोरर एक अपवाद के रूप में याद कर लेना है, एक एप्पल रूट बोरर इसको अपवाद के रूप में याद कर लेना है, यानी एक्सेप्शन है लेसर ग्रेन बोरर और एप्पल रूट बोरर। ये जो ट्रिक है ये 99% सही है, कारगर है, बस केवल यही दो एक्सेप्शन हैं जिसको आपको याद कर लेना है। क्या हमने बताया? हमने आपको यही बताया कि अगर कहीं आपको बोरर लिखा मिल जाए या वर्म लिखा मिल जाए या मोथ लिखा मिल जाए तो उसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो कैटरपिलर होती है। चलिए अब एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए, पहला जो एग्जांपल यहाँ पे है वो देखिए क्या है, शुगर केन रूट बोरर। अब यहाँ पे आपको क्या मिल गया? बोरर। हमने क्या बताया था? अगर कहीं आपको बोरर मिल जाए तुरंत आप समझ जाएगा कि इसकी जो डैमेजिंग स्टेज है वो कैटरपिलर है। क्लियर है? जैसे शुगर केन सूट बोरर, यहाँ भी बोरर मिल गया आपको। शुगर केन टॉप बोरर, यहाँ पे भी आपको बोरर मिल गया, इसकी डैमेजिंग स्टेज क्या है? कैटरपिलर है। येलो स्टेम बोरर आपको मिल गया, बोरर मिल गया, तुरंत आप समझ जाएंगे इसकी डैमेजिंग जो स्टेज है वो क्या है, उसकी डैमेजिंग स्टेज कैटरपिलर है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, यहाँ पे अगला है अमेरिकन बॉलवर्म। यहाँ पे आपको वर्म मिल गया, क्लियर हो गया कि उसकी जो डैमेजिंग स्टेज होगी वो कैटरपिलर होगी। स्पॉटेड बॉलवर्म, यहाँ पे वर्म मिल गया। पिंक बॉलवर्म, यहाँ पे वर्म मिल गया, तो इसका मतलब है कि इसकी डैमेजिंग स्टेज जो है वो कैटरपिलर ही है। ठीक है, अब देखिए अगला जो है काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे लिखा गया है ग्राम कटवर्म। अब देखिए, कटवर्म ऐसे आपको रटना पड़ता, अब पता चल गया कहीं भी अगर बोरर हो या वर्म हो या मोथ हो तो सब की जो डैमेजिंग स्टेज होगी वो कैटरपिलर होगी। एक्सेप्शन क्या है? लेसर ग्रेन बोरर और एप्पल रूट बोरर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ ब्रिंजल बोरर, यहाँ इसकी भी डैमेजिंग स्टेज क्या है? कैटरपिलर है। पोम ग्रेनेट फ्रूट बोरर, इसकी भी क्या है डैमेजिंग स्टेज? कैटरपिलर है। पोम ग्रेनेट फ्रूट बोरर को ही हम लोग कहते हैं अनार बटरफ्लाई। क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, अब देखिए अगला है प्लूम मोथ। इसको कैसे याद करोगे? हमने कहा था कि अगर मोथ कहीं लगा हो, वर्म लगा हो या बोरर लगा हो तो सारे की जो डैमेजिंग स्टेज होगी वो क्या होगी? कैटरपिलर। अब देखिए तिल हवैक मोथ, ठीक है, यहाँ भी मोथ मिल गया, इसका मतलब इसकी डैमेजिंग स्टेज भी क्या होगी? कैटरपिलर। अब देखिए अगला है डी एम बी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, डायमंड बैक मोथ। ठीक है, मोथ इसमें भी आ गया, डायमंड बैक मोथ DBM। ठीक है, तो इस तरह से इसका भी क्या होगा? कैटरपिलर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ट्रिक के माध्यम से आपको अब कभी भी नहीं भूलेगा, मुझे उम्मीद है कि ज़िंदगी में आपको नहीं भूलेगा, बस एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए अगला ट्रिक देखते हैं।
अगली जो ट्रिक है वो भी काफ़ी अच्छी है, बहुत ही याद कराने में आपकी हेल्प करेगी। इसमें देखिए हमने कहा अगर कहीं आपको हॉपर दिख जाए, ठीक है, हॉपर दिख जाए या तो कहीं भी अगर आपको हॉपर दिख जाए तो उसकी डैमेजिंग स्टेज निम्फ और एडल्ट होती है। दूसरा कौन सा ट्रिक है, अगर आपको एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई मिल जाए तो उसकी भी डैमेजिंग स्टेज क्या है, निम्फ और एडल्ट होती है। क्लियर हो गया। अगला अगली जो चीज़ इसमें याद करनी है आपको वो है कि अगर कहीं आपको बग मिल जाए, बग लिखा हुआ मिल जाए तो उसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है निम्फ और एडल्ट होती है। तीन चीज़ें हमने यहाँ पे भी बताया आपको। यहाँ हमने बताया कि अगर कहीं आपको बग मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे डैमेजिंग स्टेज क्या होगी, निम्फ और एडल्ट होगी। अगर आपको कहीं हॉपर लिखा मिल जाए तो उसकी भी जो डैमेजिंग स्टेज होगी वो क्या होगी, निम्फ और एडल्ट होगी। अगर कहीं एफिड, जैसिस, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई ये सब लिखा मिल जाए तो इसकी भी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो निम्फ और एडल्ट होती है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे पता करेंगे आप। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने क्या, शुगर केन लीफ हॉपर, अब यहाँ पे क्या आपको मिल गया, हॉपर। हमने क्या बताया अगर कहीं हॉपर लगा होगा तो फिर उसमें क्या होगा डैमेजिंग स्टेज, निम्फ और एडल्ट। अगला है मैंगो हॉपर, यहाँ पे भी हॉपर लगा हुआ है, इसकी जो डैमेजिंग स्टेज होगी वो निम्फ और एडल्ट होगी। पॉइंटेड बग बहुत इंपॉर्टेंट है, बग बग लग गया तो क्या होगा इसकी डैमेजिंग स्टेज, निम्फ और एडल्ट होगी। शुगर केन मिली बग, जैसे ही यहाँ बग हमें दिखा तुरंत हम समझ गए कि ट्रिक में बताया गया है कि अगर बग होगा तो उसका जो डैमेजिंग स्टेज होगी निम्फ और एडल्ट होगी। ठीक है, क्लियर हो गया। रेड कॉटन बग, यहाँ पे भी बग लग गया, क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, अगला है कॉटन वाइट फ्लाई, यहाँ वाइट फ्लाई है, हमने कहा था एफिड, जेसिड, थ्रिप्स, वाइट फ्लाई ये सब का जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो निम्फ और एडल्ट होती है। क्लियर हो गया। अगला कॉटन एफिड, कॉटन जैसिड या मस्टर्ड एफिड, तो इन सब का जो मतलब होगा हमने ट्रिक ऊपर बता दिया है तो आप याद कर लीजिएगा, इनकी जो डैमेजिंग स्टेज होगी वो क्या होगी, निम्फ और एडल्ट होगी। तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, आपको ज़िंदगी में भूलेगा नहीं। क्लियर है, चलिए ठीक। अगला जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसमें क्या है कि हमें एक ये भी एक ट्रिक है डैमेजिंग स्टेज का है कि जितनी भी फ्लाईज होती हैं, वाइट फ्लाई नहीं, ठीक है, एक्सेप्शन हम बताते हैं अभी ना, काहें घबरा रहे हो, जितनी भी फ्लाईज होती हैं उसकी जो डैमेजिंग स्टेज होती है वो मैगट होती है। एक्सेप्शन वाइट फ्लाई, मस्टर्ड फ्लाई और अनार बटरफ्लाई, जो कि इसमें नहीं लिखा गया है, अनार बटरफ्लाई, इसकी इन तीनों की जो डैमेजिंग स्टेज होगी ये हमें थोड़ा सा एक्सेप्शंस हैं तो याद कर लेना है, वाइट फ्लाई, मस्टर्ड सॉ फ्लाई और अनार बटरफ्लाई, इसकी डैमेजिंग स्टेज मैगट नहीं होती है। नॉर्मली हमने क्या कहा है कि जितनी भी फ्लाई होती हैं सबका जो डैमेजिंग स्टेज होता है मैगट होता है। चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है। तो देखिए होता, देखिए यहाँ पर दिया गया है फ्रूट फ्लाई, ठीक है, फ्रूट फ्लाई अब आ गया। अब जब फ्रूट फ्लाई आ गया तो अब फ्रूट फ्लाई चाहे वेजिटेबल का फ्रूट फ्लाई हो या फ्रूट का फ्रूट फ्लाई हो, सबकी जो डैमेजिंग स्टेज होगी क्या होगा, मैगट ही होगा। और तुर पोड फ्लाई, तुर का मतलब होता है अरहर, अरहर मतलब पिजन पी, तो इसका भी जो डैमेजिंग स्टेज होगा वो क्या होगा, मैगट होगा। इस तरह से मैं आपको आज ये तीन ट्रिक बताया हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद आपको जो डैमेजिंग स्टेज की जो प्रॉब्लम्स होती है वो रटना पड़ता है वो आज के बाद नहीं रटना पड़ेगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी देखिए हम बताएंगे आपको थोड़ा सा, हम एक टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको देंगे। ठीक है, जो भी 10-20 क्वेश्चन देंगे, लेकिन वो ऐसे यहाँ पे इस चैनल पे नहीं देंगे, हो सकता है हम मतलब एक टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे भी दे सकते हैं या तो अपने व्हाट्सएप पे हम इस तरह से थोड़ा सा ग्रुप बना के उसको हम कराएंगे, तो अभी सोच रहे हैं। ठीक है, अभी किए नहीं हैं,
तो अगर उस मतलब उसमें क्या है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, आप उसको सॉल्व करिएगा अच्छे से, ठीक है, और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइएगा। जिससे संबंधित आपको ट्रिक चाहिए कमेंट हमें कर दीजिए, ठीक है, हम उस पर ट्रिक बना देंगे। थोड़ी सी मतलब थोड़ी थोड़ा वीडियो लेट इसलिए हो जाती है क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में हूँ, लेकिन अभी तैयारी भी मेरी चल रही है, मैं तैयारी भी करता हूँ, पढ़ाता भी हूँ और अपनी जॉब भी करता हूँ, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन कोशिश यही रहती है कि पर डे लाऊँ, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाएगा, लेकिन फिर भी 1-2-3 दिन में ज़रूर एक वीडियो आएगी, ठीक है। और जिस पर भी ट्रिक चाहिए आप हमें ज़रूर बताइए, हम उस पर बताएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग को जुड़ना है व्हाट्सएप पे तो ये मेरा नंबर है 9648669034, ठीक है, तो इस पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं, जो भी अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप बताइए, ठीक है, कुछ चीज़ याद नहीं हो रहा है हमें बताइए, हम आपको याद कराएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।